भाई साहब चाबी देखो कहाँ पड़ी है BMW की, होनी वहां पर चाहिए थी जबकि तेरे को और ना देने को नहीं गाड़ी ये है अपनी भाई BMW X740i पेट्रोल, मतलब इतनी बार बता चुका हूँ अब तो आपको भी रट गया होगा नाम इसका पूरा। रिसेंटली भाई हम इस पे अभी फैमिली ट्रिप पे गए थे आगरा देहरादून ऋषिकेश उधर वाली साइड हरिद्वार वगैरह, तो आने के बाद ना भाई इसकी पैंपरिंग नहीं हुई है और ऐसी लग्जरी गाड़ी को ना थोड़ा अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है लॉन्ग रन के लिए अगर चलानी है। तो आज भाई इसकी हम पैंपरिंग करवाने जा रहे हैं और साथ ही साथ में ना मुझे इसमें एक कोटिंग भी करवानी है जो कि है लेदर कोटिंग सीट्स पर होती है, बहुत जरूरी है वरना ना क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक मिनट ये नीचे कर दे भाई। चलो देखो आज हुई तो थी साफ बट बारिश आई होगी ना तो उसकी बूंदों की वजह से ये मिट्टी मिट्टी हो गई है। हाँ तो मैं ये कह रहा था जैसे ये जो हमारी सीट्स है ना भाई ये पूरी लेदर सीट्स है, अब इसमें क्या है कुछ महीनों बाद ना क्रैक आने लग जाते हैं लेदर पे, तो इसके लिए एक ना कोटिंग आती है, वो कोटिंग अगर आप करवा लोगे ना तो ये क्रैक जो है ना थोड़े डिले हो जाते हैं 1.5-2 साल, मतलब जो 2-3 महीने में आने वाले होंगे वो 1.5-2 साल में आएंगे और उसके बाद आप फिर से एक और बार करवा लो तो लाइफ ना आपकी लेदर की बढ़ जाती है। इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती वैसे करवाऊंगा तो यहाँ पर भी, बट ये जो एरिया मेन है ना यहाँ बहुत क्रैक्स आ जाते हैं अपने, अभी तो नहीं आ रहे खैर अच्छी बात है, उधर वाली पे भी नहीं आ रहे है बट करवा लेना चाहिए भाई क्यों रिस्क लेना है ना। जिसके लिए मैं जा रहा हूँ भाई अभी फिलहाल डिटेलिंग गुरुग्राम, इनका एक यूट्यूब चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर ना ये कई चीजों के बारे में बताते हैं लाइक सेरेमिक कोटिंग हो गई, PPF हो गई, क्या आपको करवाना चाहिए, कितने का है, तो वो सब आप ना इनके चैनल पे देख सकते हो। मैंने आपको पता ही अपनी सारी गाड़ियों की PPF आज तक वहीं से करवाई है, पहले दिल्ली में था, मतलब दिल्ली में अभी भी है पर पहले मैं दिल्ली जाता था, अब इनका गुड़गांव में भी स्टोर है तो मजा आ जाता है, अपने पास है घर के, इतना ही पास नहीं है 7-8 किलोमीटर है, तो चलते हैं भाई वहां पे और इसकी थोड़ी सी ना पैंपरिंग करते हैं क्योंकि गाड़ी भी हमारे बच्चे जैसी है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ में ट्रिप में इतनी ज्यादा गंदगी मची है, देखो जो बैठते थे पीछे अपना टिशू विशू सारी गंदगी यहीं पे छोड़ रखी है, तो अच्छे से गाड़ी को ड्राई क्लीन करवाएंगे उसके बाद जो है फिर हमारी लेदर कोटिंग होगी, मस्त बन जाएगी गाड़ी। देखो यार होता क्या, सिंपल सा फंडा है, इन गाड़ियों को जितना देखभाल करके रखोगे ना उतने लंबे टाइम तक आपका साथ देंगी ये गाड़ी, क्योंकि लग्जरी गाड़ी है भैया, अब ये नहीं आप इसको थार की तरह कुदा दो कहीं पर भी, प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, प्यार से रखना पड़ता है। और मैंने अब ये डिसाइड कर दिया, देखो ये वाली अपनी गाड़ी ज्यादातर ट्रिप्स पे यूज होंगी, लॉन्ग ट्रिप जब भी हम जाए करेंगे फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जैसे भी जाएंगे लॉन्ग ट्रिप्स में ही यूज होनी है खाली, तो उससे क्या है कि जब भी हम वापस आएंगे ना, मैंने ये चीज फाइनल कर ली है कि आते ही भाई इस गाड़ी की सफाई मतलब क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग जो भैया आते हैं वो तो करते ही है, बट एक बार डिटेलिंग बुल ले जाके अच्छे से ड्राई क्लीन करवा लिया करूंगा गाड़ी ताकि अंदर से जितनी मिट्टी विट्टी है सब निकल जाए और एक बार अच्छे से ना साफ हो जाए पूरी की पूरी, है ना, कुछ भी गंदगी खाने का मटेरियल जिससे बदबू आ जाती है, चूहे आ जाते, कीड़े आ जाते हैं, वो ना रह जाए गाड़ी के अंदर। तो वही अभी थोड़ा डिले हो गया है, मतलब कितने दिन हो गए हमें, 8-10 दिन हो गए आए हुए बट मैंने करवाई नहीं, तो अब से भैया टाइम टू टाइम करवानी पड़ेगी बिल्कुल। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं मैं और यहाँ पर यार बारिश आई हुई है, देखो रोड गीली है, हमारे वहां तो नहीं आई, ये देखो पानी भरा हुआ है भाई, ओ तेरी ये क्या सीन चल रहा है गुड़गांव में, एक एरिया में बारिश है एक में आई नहीं, मिट्टी ना भाई ऐसी ऐसी जगहों पे फंस जाती है, देखो ये अच्छे से क्लीन करवाना है, बहुत गंदी लग रही है क्योंकि जैसे देखो ये जब बंद हो जाती है ना तो इसके अंदर मिट्टी फंस जाती है, अब ये निकल नहीं पाती, अब जब इसे खोलोगे ना आप तभी जो है मिट्टी पता चलती है, जैसे सेम टू सेम आप इस वाले एरिया में देख सकते हो मिट्टी। साथ ही साथ हमारे जो गाड़ी साफ करने वाले भैया आते हैं वो ऊपर से रूफ साफ नहीं करते, ये देखो कितनी गंदी हो रही है, अंदर से भी साफ नहीं करते, यहाँ भी सारा गंदगी हो रही है, चिकनाई चिकनाई सी, तो ये करवा तो बहुत दिन पहले ही लेना चाहिए था बट कोई नहीं, देर दुरुस्त है, 1 मिनट का रास्ता है, 300 मीटर सिर्फ यहाँ से राइट लेना है और वो सामने देखो ओम स्वीट दिख रहा है वो रहा, उसी के वाली गली में बस लेफ्ट मुड़ के, ये हांगकांग बाजार है पूरा उत्तरी, यहाँ तो रोड की ज्यादा ही हालत खराब है, गड्ढे गड्ढे पानी पानी हर जगह। लो जी पहुंच गए हैं, गाड़ी लग चुकी है अंदर भाई, और जब भी आप PPF करवाते हो यहाँ से तो 7-10 दिन बाद ना एक बार अपनी गाड़ी को लाना होता है ताकि कहीं से अगर बबल्स आ रहे हैं या PPF निकल रही है तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ठीक करके देंगे डिटेलिंग बुल में, बाकी तो वॉशिंग वगैरह करवानी और मेन तो है अपना जो लेदर कोटिंग आपको बताई सीट्स की, ताकि मतलब सीट्स की नहीं जो लेदर की जो लाइफ है वो बढ़ जाए। गाड़ी भाई अपनी बिल्कुल अच्छे से नहा धो के चमक गई है, अंदर से बस वैक्यूम क्लीनिंग चल रही है ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो साफ हो जाए, बाहर से तो आप देख ही सकते हो क्या मस्त चमचमा रहा है अपना BMW का लोगो। और आपको अपनी X7 की लेंथ का आइडिया दूं तो ये देखो इतनी है ना, कैमरा में तो नहीं समझ आ रही बट साथ में खड़ी है XUV 700, अब मैं पीछे जाके आपको दोनों के बीच में कंपेरिजन दिखाता हूँ, पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, नहीं आ रहा मेरे ख्याल यार, बट भाई मतलब ये दोनों ना पीछे से बिल्कुल बराबरी पे खड़ी है, अब आप आगे से डिफरेंस देखो, BMW जो है अपनी इतनी लंबी है इससे, ठीक
ठीक है ना, पीछे से सेम है बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल आमने सामने खड़ी हुई है दोनों गाड़ियां। अब सामने से देखो एक्सयूवी कितनी छोटी लग रही है और बीएमडब्ल्यू कितनी आगे है। हाय हाय भाई साहब, मजा आ जाता है गाड़ी देख के अपनी। सबसे मेन तो सब लोग यही तारीफ करते हैं कि मैट करवा के ना लुक ही बदल दिया आपने गाड़ी की। ये मैट भी निकाल दिया, अच्छे से साफ कर दिया गया है, वैक्यूम क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट डन। अब इसके बाद काम करेंगे भाई जो अपनी पीपीएफ की थोड़ी सी फिनिशिंग थी। A few minutes later. चलो जी, सफाई बिल्कुल अच्छे से डन हो गई। आपको दिखा देता हूँ जो पीछे गंद मचा पड़ा था वो अब कितना साफ हो गया। ये देखो भाई, सारे मैट वैट चमक गए, सीट चमक गई, अच्छे से वो करवा लिया था क्या कहते हैं उसे, वैक्यूम, तो अब साफ है। अब इसको ले जा रहे हैं भाई आगे। ये देखो भाई, शुरू हो गया अपना लेदर कोटिंग का। भैया सबसे पहले तो है क्या चीज ये? ये लेदर सिरामिक कोटिंग है। तो ये बेसिकली सिर्फ लेदर पार्ट्स पे लगता है, जितना भी सीट्स की लेदर होती है। अच्छा। उस पे लगता है। काफी इसके बेनिफिट्स हैं। हाँ। जैसे सबसे मेन बेनिफिट है, क्लीन करना इजी हो जाता है। हाँ हाँ। और हाइड्रोफोबिक रहती है कोटिंग, कुछ अगर जैसे कोक या कुछ ऐसे लिक्विड गिर भी जाता है तो वो हाइड्रोफोबिक रहती है, उसको क्लीन करना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा। जैसे हम सिरामिक के अंदर बॉडी में पानी नहीं रुकता ना, ऐसे ही सीट्स पे सेम हो जाता है। तो इसकी वो हार्डनेस क्या होती है? इसकी हार्डनेस बेसिकली जो लेदर होता है, लेदर के लिए डेडिकेटेड बना है, तो जो सिरामिक जो 10H हार्डनेस आती है उस लेवल की हार्डनेस नहीं होती। अच्छा। ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि सीट सारी सॉफ्ट होती है, दबती है, तो ये इसमें हार्डनेस नहीं होती। ठीक है, तो ये सिर्फ लेदर के साथ स्टिक कर जाती है कोटिंग। अच्छा ठीक है, बट एक डेढ़ साल की लाइफ, मतलब वो क्रैक्स नहीं आएंगे ना? 2 साल तक इसकी लाइफ निकल के आती है। ठीक है। सबसे ज्यादा ड्राइवर सीट पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, करो भैया। देखो ये फोम है, क्या चीज है ये? ये एप्लीकेटर पैड है। ठीक है, ये इस तरह से इसमें लगा रहे हैं और आप पूरी सीट पे जो है वो लगा दें। लगा दो, आप लगाओ। ये देखो भाई, तो इस तरह की ये कोटिंग सी लग रही है। तो ये हार्ड हो जाती है ये कोटिंग? ये हार्ड नहीं होती, ये ड्राई हो जाती है। अच्छा, सूख जाती है। ठीक है, तो क्रैक्स मतलब बचते कैसे अगर हार्ड नहीं हो रही? हार्ड नहीं होती, क्योंकि अगर हार्ड होगी तो क्रैक दिखेंगे आपको। अच्छा, ये सॉफ्ट रहती है, सिलिका बेस्ड होती है, बहुत कम होती है इसके। तो ये मतलब गाड़ी में जितने भी लेदर पार्ट्स है हर जगह यूज हो सकती है? सारे लेदर अपना ये हैंड रेस्ट है इधर का, इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाती है। ठीक है, अब लास्ट की दो रो पे तो हो चुकी है, अब सेकंड रो का काम चल रहा है यहाँ पर, और बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, मतलब है ना टाइम कंज्यूमिंग। ये थोड़े थोड़े पैच में हमें करनी पड़ती है, पूरी सीट पे नहीं लगा सकते, छोटे छोटे पैच पे हम लगाते हैं, फिर उसको वाइप करते हैं, फिर ऐसे पूरी सीट करते हैं एक बार। पूरी गाड़ी टाइम कितना लगता होगा पूरी गाड़ी करने में? करने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी तो बड़ी गाड़ी है, लेदर ज्यादा है इसके अंदर, 3 रोज है ना जैसे, तो लेके चलो आप 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसके अंदर। ठीक है ठीक है, चलो ये देखो भाई इस तरह की कोटिंग है, हाथों हाथ जो है वो पहुंचते जा रहे हैं ऊपर से। ये भी अपना जो डैशबोर्ड है ये भी लेदर है, सॉफ्ट लेदर, ये भी यूज होगा इस पे? नहीं होता। अच्छा, सीट्स पे ही रहेगा? सीट्स पे होता। तो मेनली वो ये जिस पे हम ज्यादा बैठते हैं, हाथ ज्यादा रखते हैं वहाँ पर। अब यहाँ तो वैसे भी नहीं लगता होगा कुछ भी, लगा सकते हैं वैसे इसमें? लगा सकते हैं, बट यूज का नहीं है, यूज का नहीं है। ठीक है, तो ये भैया आगे की सीट्स हो गई, अपना इधर का हैंड रेस्ट हो गया, बीच वाला आर्म रेस्ट हो गया, इन सब चीजों में लग जाएगी। ये भी यहाँ भी लग जाएगी ना? ये भी लेदर ही है, भी लग जाएगा। ठीक है, ये भी लग जाएगा। और ये कोटिंग भाई ऑब्वियसली लेदर के लिए, तो लेदर वाली सीट्स में ही करवानी होती है। जो नॉर्मल फैब्रिक वाली सीट्स आती है या सीट कवर्स आते हैं उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीट कवर तो आप निकलवा के 5-6 हज़ार में चेंज करवा लोगे। अब ये वाली जो है अपना एयरबैग्स है, एयर वेंटिलेशन के लिए, मतलब वो जो सीट वेंटिलेशन होती है वो सब कुछ है इसमें, तो इसलिए आपको इसमें मतलब सीट कवर भी नहीं लगवा सकते ना इनको चेंज करवा सकते आगे जाके, तो कोटिंग करवा लो बेस्ट रहता है। प्राइस पूछते भाई ऐसे, कितना बैठता है इसका? हाँ जी भैया, तो एक बार प्राइस बता दो ये लेदर कोटिंग का कितना रहता है? इसकी ईच सीट की कॉस्ट 2500 कॉस्ट आती है। अच्छा, एक सीट कराते 2500 फ्रंट एंड बैक। ओके, अभी जैसे जो नॉर्मल 5 सीटर गाड़ी है उसमें फिर वो 5 सीटें ही नहीं जाएगी पूरी? हाँ, 5 सीटें ही नहीं। ठीक है, अब मेरा आर्म रेस्ट भी होता है बीच में। हाँ हाँ, बीच वाला पार्ट भी होता है, तो वो पूरा काउंट होता है। मतलब एक नॉर्मल क्रेटा वगैरह जैसे ऐसी गाड़ी है वो ये अपना 12-12.5 हज़ार रुपये में हो जाएगी पूरी, और अपनी में अगर 6 या 7 सीटर है तो वो आपकी उसी हिसाब से फिर 18-19 हज़ार की बैठेगी। बट वो ये वर्थ है मेरे हिसाब से भाई, आप 2-1.5 साल लेदर पे क्रैक्स आएंगे नहीं, और जैसे कि मैंने बताया आप इनको तो कवर भी नहीं लगवा सकते ना चेंज करवा सकते, तो कोटिंग ही बेस्ट रहेगी उसके लिए। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या डायरेक्ट आ सकता है? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सर, मतलब 2-2.5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। 2-2.5 घंटे लगेंगे, एक बार एक दिन पहले आप हमें अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे तो उस हिसाब से हम उस स्लॉट खाली रखेंगे। ठीक है, वैसे कोई भी गाड़ी जिसमें लेदर सीट है सब में हो जाएगी ना? जिसमें लेदर सीट है उस सब में हो जाएगी। ठीक है, चलो जी गाड़ी डन हो गई है, बाहर निकाल रहे हैं, और करते करते रात भी हो गई। आया था मैं कितने 4:30-5 बजे, और 8:30 बज रहे सॉरी इस टाइम। चलो जी, बाहर से तो मस्त चमचमा रही है, अंदर से भी शाइन मार रही है गाड़ी एकदम, गाड़ी मतलब सीटें कोटिंग की वजह से। तो अब हर जगह पे ना अपनी गाड़ी पे कहीं ना कहीं पे तो पीपीएफ है, कहीं एलोएज और शीशों पे सेरेमिक कोटिंग है, सीट्स पे लेदर कोटिंग है, मतलब कोटिंग ही कोटिंग भरी हुई है। चलो भैया ठीक है, ओके मिलते हैं।
ओके। बाकी यार डिटेलिंग बोल के स्टोर्स की बात करें तो इंडिया में बहुत जगह है, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फिलहाल जल्दी जल्दी चले और घर पहुंचे, भूख लगने लग गई है मेरे को। बारिश का पानी इतनी जगह इकट्ठा हुआ पड़ा है भाई, गंदी हो जाएगी गाड़ी अभी अभी इतनी मस्त चमचमाती हुई निकलवा के लाया हूं। अब देखो ज्यादा स्टोर्स होने का ना फायदा कस्टमर्स को ये पड़ता है कि मान लो आपने कोई काम या कोई सर्विसेज इनकी गुड़गांव में ली है, फिर आप आगरा शिफ्ट हो जाते हो या चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हो, तो वहां पर भी इनके स्टोर्स है, वहां पर आपको वारंटी भी मिलेगी या सेरेमिक कोटिंग का जो भी पैकेज है वहां भी वैलिड रहेगा, तो ये अच्छी चीज रहती है काफी। तो सारे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। वेद भैया आ जाए नहीं तो उनसे मिलना हुआ नहीं। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।